प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर आए खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज़। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं मुंब्रा के खड़ी मशीन रोड स्थित डायमंड हॉल में, और आपको बता दें टोरेंट पावर कंपनी के तरफ से आज इस डायमंड हॉल में इफ्तार की दावत रखी गई थी, जिसमें मुंब्रा शहर के राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग, तमाम संस्थाओं के लोग, सामाजिक लोग यहाँ पर इस दावत इफ्तार में पहुँचे हुए थे। हमारे साथ यहाँ पर एहतशाम भाई मौजूद हैं और टोरेंट पावर के जो PRO हैं चेतन बदियानी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे टोरेंट पावर की तरफ से आज यहाँ पर दावत रखी गई थी इफ्तार की, आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या बताना चाहेंगे? जिस तरह से एक प्राइवेट कंपनी है और लगातार 4 साल से दावत इफ्तार की यहाँ पर रखी जा रही है। पहले तो मैं ये मौका इस्तेमाल करूँगा सारे प्रहार टाइम्स के व्यूवर्स को एडवांस में ईद मुबारक। ये बहुत ही पाक महीना है, हम लोगों की इबादत कबूल बहुत अच्छे पैमाने पे होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे लोग ज़्यादातर इबादत में रहें और काम तो करना ही रहता है। कई लोग जैसे आप ही हैं, अब अगर आपको न्यूज़ कवर करना है तो आप जाते ही हैं सुबह सवेरे और करते हैं, तो मेहनत वाला महीना भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। आते हैं अब टोरेंट के ऊपर, तो सेम वे ये भी जो काम कर रहे हैं तो इनको कोई रिस्पाइट नहीं मिलता है, ये वैसे ही जैसे नॉर्मल डे होता है वैसे ही रोज़े वाला दिन होता है, उसमें भी उनको करना रहता है, बल्कि एक्स्ट्रा करना रहता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे रोड के ऊपर जो प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी लाइट्स को मैनेज करना रहता है, चैलेंजिंग रहता है। तो प्रोफेशनल कंपनी आई है, मैं ये देख रहा हूँ कि MSEB के वक्त और आज के वक्त में ये है कि मैंने लाइट बंद होते नहीं देखी, तो अगर लाइट नहीं बंद हो रही है, हम लोग अपने अपनी अफ्तारियाँ और अफ्तारी के बाद हमारे जो भी शॉपिंग हो गई और अपनी रोज़ की चीज़ों को कर पा रहे हैं खूबसूरती से। आज लोग मुझको ये बोल रहे हैं कि यार मुंब्रा ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा मोहम्मद अली रोड हो गया है, मुंब्रा दूसरा लोखंडवाला होने हो जा रहा है, ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत खूबसूरत मुंब्रा हो रहा है। मुझे लगता है उसमें टोरेंट भी कॉरपोरेट एक कंपनी आने की वजह से कुछ तो फ़ायदा मिला है। अब रही बात नुकसान की, तो मैं ये भी समझता हूँ कि मुंब्रा जो है वो आप नुकसान की बात करें तो हालांकि इफ्तार दावत का यह मौका था, लेकिन एक मैसेज आज चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी वो मैसेज शायद पढ़ा है जी, तो उसके बारे में क्या? मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों के इमोशंस जो है एक प्रोफेशनल कंपनी से, बाकी रही दीनी एतबार से, तो जो अल्लाह के फैसले होते हैं, ये दो फरिश्ते यहाँ रखे हैं ना, ये भी फैसले नहीं देते, इनका काम सिर्फ नोट डाउन है, तो फैसले जो है वो अल्लाह देता है, तो कोई भी बंदा उसके बदले अगर कोई फैसला दे कि भाई टोरेंट की अफ्तारी करने से कुछ गलत है, या वो अल्लाह बेहतर जानता है हम किस नियत से आते हैं, हम आते हैं भाईचारगी के लिए, हम ये सारे भाई जो है हमारे ये यहाँ पर है, अगर हमको इज्जत देते हैं और हमको बुलाते हैं प्यार से, तो जाहिर सी बात है, और हमारे ही हमारे मज़हब के तौर तरीके में शामिल होते हैं, वो भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी चीज़ को, इन्होंने भी तो अफ्तारी की हमारे साथ में। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है और हेल्दी बात है, इस तरह की चीज़ें जो टोरेंट करती है। मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि भाई मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे इनविटेशन पर आप हमारे दावत इफ्तार में जुड़ें। देखिए ये रमज़ान का पवित्र महीना जो है, ये हम इसकी मुबारकबाद देते हुए इस इफ्तार का आयोजन पिछले 4 साल से रेगुलर कर रहे हैं। मकसद यही है कि यहाँ के कस्टमर्स के साथ, यहाँ के सिटीजन्स के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे काम और रेगुलर पावर के डिस्कशंस के अलावा भी हम लोगों के साथ जुड़े और हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कर सकें। मैं सबको रमज़ान ईद के एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और हम लोगों की आप लोगों को दावत है कि आप लोग ईद वाले दिन भी आइए, तो कोशिश करिए कुर्ता पजामा में रहिए और हम लोगों के साथ शेर खुरमा खाइए और हम लोगों के साथ ईद। बिल्कुल पप्पू भाई, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, और हम जरूर से ईद के दिन आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।